बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। चाइना और भारत के दरमियान टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही हैं। इंडिया के अंदर चाइना के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ऐलान किया है कि फौरी तौर पर तमाम चाइनीज जो भारत के अंदर है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, वर्क वीज़ा पे काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन है या कोई और है, वो फौरी तौर पर भारत छोड़ दें और स्पेशल फ्लाइट्स उनको लेकर चाइना पहुँच रही है। हैरतअंगेज़ तौर पर भारतीय मीडिया इसको जोड़ रहा है जी कोरोना की वजह से ये लेकर जा रहे हैं। असल में अगर उन्हें लेकर जानी होती इस वजह से फ्लाइट्स और ये तमाम लोगों को कहा जाता है कि आप फौरी तौर पर मुल्क छोड़ दें। ये तब अमल में आती है बात जब किसी दो ममालिक के दरमियान लड़ाई उस लेवल पर अरूज पर होने वाली होती है या जंग का खतरा हो सकता है या बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हों। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि मुस्तकबिल के अंदर उनको इस चीज़ का खदशा हो कि अगर जंग होती है तो हमारे शहरियों को वहाँ पर कत्ल कर दिया जाता है, मारा जा सकता है या कुछ भी किया जा सकता है। लिहाजा वो सबसे पहले किसी भी दो ममालिक के अंदर जंग होने से पहले अपने शहरियों को वहाँ से निकाला जाता है और उसके बाद सफ़ीर को भी वहाँ से हटाया जाता है ताकि बाद में ये ना हो कि उनके सफ़ीर को भी मार दिया जाए। ये सूरत हाल इस वक्त पेश आई है और इंडियन मीडिया आप हैरत अंगेज तौर पर देखें कि रवायती तौर पर वो क्या करता है। पाकिस्तान का किसी भी लेवल में हम अगर एक हवाई फायर भी कर देते हैं तो वो इतना उछलता है, इतनी ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ बनाता है, प्रोपेगेंडा करता है, लेकिन इंडिया का चाइना के मुकाबले में ये हालांकि मुकम्मल तौर पर उनको सांप सूंघ चुका है। इवन के मोदी सरकार पर इतनी तनकीद हो रही है कि आप पाकिस्तान को तो जवाब देते हैं लेकिन किसी सूरत अब चाइना को जवाब नहीं दे रहे। अब चाइना ने कहा है कि अपने शहरियों को तमाम के तमाम फौरी तौर पर मुल्क छोड़ दें। देखिए सूरत हाल क्या है, इंडिया को लगा है बहुत बड़ा झटका, बहुत ही बड़ा झटका लगा है। ये कोई मामूल का फौजी तनाज़ा नहीं है, इसको जहन में रखिएगा कि 2013-2014 की तरह चाइना कोई आर्जी तौर पर कब्जा करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना ने असल में बंकर्स बनाने शुरू कर दिए, मोर्चे वहाँ पर बना लिए, वो अपनी बड़ी गाड़ियाँ ले आए लद्दाख में, वो कई किलोमीटर अंदर तक घुस चुके, कई हज़ार फौजी उनके आ चुके हैं, यानी वो इंडिया के इलाके पर कब्जा कर चुके हैं लेकिन इंडिया की जानिब से कोई बयान नहीं आ रहा। इवन के उनके पीछे हैवी आर्टिलरी तो पहले से मौजूद है। अब इवन के इंडिया इनसे कोशिश कर रहा है कि आप मीटिंग करें, फ्लैग सेविंग मीटिंग हो, हमसे मामला तय करें और हम दुनिया को बता सके थी बातचीत से मामला हल हुआ, चाइना तैयार नहीं है। असल इसकी वजह आप समझ लीजिए, जो हकीकत टीवी आपको पहले भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता चुका है, जो MI और ISI की तरफ से थी, जो चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से थी और चाइना को भी इसका इदराक था। असल में तैयारी थी इनकी गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करने की। ये चाइना इंडिया का जो मसला है इसको आप मेनली गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से जोड़े और CPAC की जानिब से जोड़े। असल में तो इंडिया ऑलरेडी जो उसने नक्शा बदला, स्टेटस बदलने की कोशिश की है, उसका ये प्लान था कि गिलगित बल्तिस्तान पर वो कब्जा करे, CPAC के रूट काट दे और हमारा सबसे पहले दयामिर भाषा डैम इसको मुकम्मल तौर पर रोक दे, क्योंकि हमेशा से अमेरिका, इसराइल और दूसरी ताकतें इनकी बैक पर होती हैं। जो सबसे छोटा रूट बनता है जहां से गिलगित बल्तिस्तान पर हमला किया जा सकता है वो है लद्दाख। लद्दाख बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान के साथ लगता है। देखिए चीन ने जो लद्दाख के अंदर बंकर्स बनाए हैं इसका मतलब है कि वो यहाँ से नहीं निकलने वाले। गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करके इन्होंने CPAC वन बेल्ट वन रोड को नुकसान पहुंचाना था। चीन अपनी हिफाजत के लिए गिलगित बल्तिस्तान को बचाना चाह रहा है और पाकिस्तान तो ऑलरेडी हमारा तो ये हिस्सा है, हमने तो बचाना ही बचाना है। अब चीन ने दूसरी जानिब नेपाल को भी साथ मिला लिया है। अब आप यहाँ से अंदाजा कर लीजिए खेल कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है कि माहिर माशियात इक्तसादियात नोरेल रोबेनी उन्होंने कहा है कोरोना की वजह से दुनिया अब दो हिस्सों में तकसीम होने जा रही है और करीबन 10 साल तक दुनिया पर माशी क्राइसिस रहेगा। यानी पूरी दुनिया अब या चीन को चूज करेगी या अमेरिका को चूज करेगी और इंडिया तो मुकम्मल तौर पर अमेरिका के साथ होगा और अगर आप अमेरिका के साथ जाते हैं तो आपको चाइना से लड़ाई लड़ना पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा काबिल इंसान है और इन्होंने 2008 से पहले भी पेशन गोयाँ की थी कि माशी बहरान आने वाला है। ये अब कहते हैं कि दो तरह का बहरान में रहेगी दुनिया, एक यू होगी यानी एक दफ़ा आप ऊपर से नीचे करेंगे और ऊपर से वापस आते आते यू पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा दुनिया को। दूसरा एल है, एल शेप के अंदर एक दफ़ा आप ज़मीन पर गिरेंगे
जो कि इस वक्त पूरी दुनिया गिरी है और उसके बाद ये लंबे अरसे तक रहेगा। इनका कहना है कि दुनिया बहुत ज़्यादा हद तक खतरनाक लेवल पर मुआशी बहरान में मुबतला होने जा रही है, और जब मुआशी बहरान में मुबतला होगी तो अमरीका और चाइना आमने सामने होंगे। आपको एक ही मुल्क चूज़ करना है, या आप अमरीका वालों के साथ होंगे या आप चाइना वालों के साथ होंगे। देखिए, हमसे बेहतर तो चाइना रहा, चाइना ने नेपाल को भी साथ मिला लिया। देखिए, नेपाल के डिफेंस मिनिस्टर तो ऑलरेडी धमकी दे चुके हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया ने कोई हरकत की, उनके आर्मी चीफ को कहा है, तो फौजें घुसाकर उनको जवाब देंगे। गुरकास की इन्होंने बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है। ये असल में सूरत हाल पाकिस्तान से कितनी बेहतर है। लद्दाख का स्टेटस बदलने की कोशिश कर रहा है इंडिया, उन्होंने अपनी फौजें घुसा दी, बंकर्स बना लिए, उनके फौजी अगवा कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान पर हमले की राह जो हमवार थी उसको बंद करने की कोशिश की। नेपाल घुस रहा है, भूटान आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तान की सूरत हाल है कि पाकिस्तान में कश्मीर का स्टेटस उन्होंने बदला, और हम कहते हैं हर जुमे को हम खड़े होंगे आधे घंटे के लिए। एक साल करीबन होने वाला है, अभी तक हमने कश्मीर आज़ाद करवाने के लिए कुछ नहीं किया सिवाय दुनिया को ये कहे कि आओ आप आकर इंडिया को रोको। दुनिया क्यों रोके? चाइना की तरह घुसे, फौजी अगवा करें, मारे उनको, जंग होती है तो हो। चाइना अगर सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर रहने के बावजूद जंग के लिए तैयारी कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।